है आप सभी का SSCN News के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटानगर रेलवे स्टेशन गोलीकांड में 3 अपराध कर्मी गिरफ्तार। हमले में शामिल 3 अन्य बदमाशों की तलाश जारी। गोली लगने से घायल नीरज दुबे और संतोष सिंह के बीच हुआ था विवाद। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की दी थी धमकी। हमले में नीरज दुबे को लगी थी 2 गोलियां। टैंकर लूटने वाले 3 अंतर्राज्यीय बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटा गया टैंकर समेत 2 टैंकर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से बरामद। चालक को बंधक बनाकर जमशेदपुर से लूटा गया था टैंकर। गिरफ्तार अपराध कर्मी टैंकर लूट की कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। विशालकाय गजराजों की लड़ाई में एक ग्रामीण की जान गई, दूसरा जख्मी। बहरागोड़ा के कोशापालिया जंगल में गजराजों की जंग देखने उमड़े लोग। हाथियों को युद्ध से अलग करने में जुटी वन विभाग की टीम। 2 नर हाथियों के युद्ध में 1 की जा सकती है जान, वन विभाग अलर्ट। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन गोलीकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी की। विगत दिनों टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग केयर टेकर नीरज दुबे पर हुई फायरिंग के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने नीरज दुबे पर हुई फायरिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं कांड में शामिल 3 अन्य अपराध कर्मी फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घटना का कारण रेलवे स्टेशन पर वाटर बॉटल सप्लायर संतोष सिंह के साथ हुई मारपीट को बताया जा रहा है। जीआरपी डीएसपी हिमांशु चंद्र मांझी ने संवाददाताओं को बताया कि विगत 14 मई को टाटानगर रेलवे स्टेशन में वाटर बॉटल सप्लायर संतोष सिंह के साथ नीरज दुबे और उनके सहयोगियों द्वारा मारपीट की गयी थी, जहां इस मामले को लेकर संतोष सिंह के रिश्तेदार विशाल सिंह और नीरज दुबे के सहयोगी अमन मिश्रा के साथ फोन पर गाली गलौज और बुरा परिणाम भुगतने की बात कही गई। 19 मई को टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में विशाल सिंह राजा सिंह ने अपने सहयोगी आशुतोष सिंह, सिकंदर संतोष सिंह, गोलू यादव, सिंटू सिंह समेत अन्य के साथ मिलकर नीरज दुबे पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें नीरज दुबे को 2 गोली लगी। घायल अवस्था में नीरज दुबे को टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नीरज की स्थिति अभी सामान्य है। इधर इस मामले में पुलिस ने नीरज दुबे के रिश्तेदार अमन तिवारी के बयान पर 7 नामजद लोगों और 1 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। इस मामले में जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनमें जुगसलाई निवासी आशुतोष सिंह, बागबेड़ा निवासी सिकंदर कुमार प्रसाद और जुगसलाई निवासी रोहित शर्मा को गिरफ्तार किया है। तीनों ने अपने स्वीकारोक्त बयान से इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जीआरपी डीएसपी हिमांशु चंद्र मांझी ने बताया कि विगत 14 मई को संतोष सिंह के साथ नीरज दुबे और उनके सहयोगी के बीच विवाद हुआ था। तत्पश्चात संतोष सिंह के रिश्तेदार विशाल सिंह और नीरज दुबे के सहयोगी अमन मिश्रा के साथ पुनः विवाद में बात बढ़ गई। विशाल सिंह द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नीरज दुबे पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गोली चलाने वाले विशाल सिंह, राजा सिंह समेत कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। 5/2023 को संध्या 5:45 करीब टाटानगर रेलवे स्टेशन पार्किंग इलाका में गोलीबारी और फायरिंग की घटना में पार्किंग के केयर टेकर नीरज दुबे को बांह और गले में गोली लगी थी, और अमन मिश्रा के बयान के आधार पे और जख्मी नीरज दुबे के बयान के आधार पे अमन तिवारी के बयान के आधार पे केस दर्ज किया गया था, जिसमें 5-6 प्राथमिकी और 1 अन्य अज्ञात के विरुद्ध हुआ। इसी दौरान छापामारी एवं अनुसंधान जांच प्रारंभ किया गया और इसी क्रम में 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी कल हुई। 3 व्यक्ति में 1 आशुतोष, सिकंदर और रोहित शर्मा करके, इनके बताए अनुसार ये घटना करने के बाद ये लोग यहाँ से बाहर कलकत्ता की ओर भाग गए, लेकिन इनके घर और अन्य संभावित जगह पे स्थानीय थाना परसुडी, जुगसलाई, RIT सरायकेला खरसावां, बागबेड़ा, इनके सहयोग से लगातार छापामारी की गई और इनकी गिरफ्तारी की गई। इनमें जो भी शामिल थे
उनका नाम वगैरह आ गया है, लेकिन उसको जो है अनुसंधान जांच के ख्याल से उनको उस बात की हम चर्चा आगे नहीं कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी। दिनांक 14/15/2023 को, मतलब 14/15 इस मई महीना में पानी सप्लायर करके संतोष सिंह करके हैं, जो कि यहाँ टाटा नगर रेलवे स्टेशन में पानी का सप्लाई करते हैं, उनसे इनकी मारपीट हुई थी। किसका? नीरज दुबे। नीरज उनका उनके आधार पे एक केस भी हुआ 36 नंबर में, हाँ उसका जो अनुसंधान जांच भी चल रहा है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये घटना घटित हुई है, जिसमें कि संतोष सिंह को नीरज सिंह के द्वारा, नीरज सिंह और उनके सहयोगी के द्वारा मारपीट किया गया था, और उनके बताए अनुसार कहना है कि हमसे 30,000 रुपया रंगदारी का ये मांग रहा, जिससे कि ये इनकार किया। इसी के चलते जो है उसके अलावे और 4-5 व्यक्ति जिस पर की अनुसंधान जांच जारी है, जो अभी तक जो आया उसके अनुसार 6 व्यक्ति के बाद आया। आई बात करते हैं टैंकर लूट कांड का उद्भेदन कर टीम अंतर्राज्यीय बदमाशों की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर जिला की एक पुलिस टीम ने टैंकर लूट कांड का खुलासा कर उसमें शामिल 3 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके साथ ही पुलिस ने लूटा गया टैंकर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश पुराने व शातिर अपराध कर्मी है। इसके पहले भी टैंकर लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात भी पुलिस के सामने अपराध कर्मियों ने कबूली है। बताते चले कि घाटशिला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप टोपो ने इस संबंध में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि 12 मई को श्याम सुंदरपुर से फ्यूल लदा टैंकर चालक को बंधक बनाकर अपराधियों ने लूट लिया। बाद में चालक को नशे की गोली खिलाकर रांची के तमाड़ उतार दिया और टैंकर लेकर चलते बने। इस संबंध में उत्तर प्रदेश निवासी अभय राज मिश्रा के बयान पर श्याम सुंदरपुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसका अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में दिनांक 17 मई 2023 को पुलिस की टीम ने वर्धमान पश्चिम बंगाल से लूटा गया टैंकर UP65LT0765 बरामद किया। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों को पुलिस टीम ने श्याम सुंदरपुर थाना के समीप चेकिंग के क्रम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में निहाल खान, वीरसू शर्मा एवं जरनैल सिंह शामिल हैं। कांड में प्रयोग किए गए टैंकर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार अभियुक्त अंतर्राज्य गिरोह से ताल्लुकात रखते हैं और बंगाल, झारखंड एवं बिहार में घूम घूम कर तेल से लदे वाहनों की लूट करते हैं। दिनांक 12 मई 2023 को ये श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत सोनू ढाबा के पास फ्यूल लदे टैंकर को लूट लिया। इस टैंकर को चंडीकोण से फ्यूल भरकर नेपाल ले जा रहे थे। अपराधियों ने पहले टैंकर के ड्राइवर को नशे की दवा देकर बेहोश किया। उसके बाद बेहोशी की हालत में जरनैल सिंह व वीरसू शर्मा ने ड्राइवर को तमाड़ लाकर छोड़ दिया। उसके बाद अभियुक्त निहाल खान लूटे गए टैंकर को कोलकाता ले गया। कोलकाता के दानकुनी में टैंकर का फ्यूल खाली किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निहाल खान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 2021 में भी वे धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र से तेल टैंकर की लूट किए थे। आई बात करते हैं बहरा घोड़ा के जंगल में दो नर हाथियों के बीच जारी खूनी जंग की। बहरा घोड़ा के चिंगड़ा पंचायत क्षेत्र के जंगल में दो नर हाथी के बीच खूनी जंग जारी है। इस दौरान दो ग्रामीणों को नजदीक पाकर हाथियों ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया और एक को बुरी तरह से मार डाला, जबकि दूसरा जख्मी है, उसकी चिकित्सा चल रही है। ऐसा माना जाता है कि मादा हाथी के कारण नर हाथियों के बीच जंग होती है। युद्ध का अंत एक के मरने के साथ होता है। फिलहाल वन विभाग की कोशिश के बावजूद दोनों हाथी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बताते चले कि दो नर हाथियों के बीच की लड़ाई बड़ी ही खतरनाक होती है। वन विभाग का ऐसा मानना है कि एक की मौत के साथ उनकी लड़ाई का अंत होता है, लेकिन वन विभाग की टीम उनकी लड़ाई समाप्त कराने की कोशिश में है। दरअसल बहरा घोड़ा के चिंगड़ा पंचायत के कोशा फालिया गांव के पास एक मैदान में सोमवार को दो नर हाथियों की लड़ाई के बीच एक ग्रामीण को हाथी ने खदेड़ कर पकड़ लिया और पीठ में दांत घुसा कर उसे मार डाला। मृतक की पहचान डाबरा गाँव निवासी मंगल मुर्मू के रूप में हुई है। वही हाथियों के हमले में दूसरा व्यक्ति बुरी तरह घायल है। वही सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध में उलझे हाथियों को अलग करने के प्रयास में जुट गई है। फिलहाल हाथियों के आतंक से ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं।
वहीं वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि हाथियों को कोई छेड़े नहीं और न ही उसे परेशान करे। आइए बात करते हैं चुकसलाई के इस्लाम नगर में रंगदारी के लिए हुई फायरिंग की। चुकसलाई थाना अंतर्गत इस्लाम नगर मदरसा मोहम्मदिया के पास अपराधी राजा बच्चा ने स्थानीय युवक मोहम्मद समीर पर फायरिंग की। हालांकि इस घटना में समीर बाल बाल बच गया। घटना को अंजाम देने के बाद राजा मौके से फरार हो गया। घटना की तहकीकात में जुटी पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। समीर ने बताया कि शनिवार को उसकी बहन की शादी थी। बिष्टोपुर जी टाउन क्लब में पार्टी के बाद सभी घर वापस आ रहे थे, तभी राजा सभी को रास्ते में रोककर रुपयों की मांग करने लगा। हालांकि उस वक्त उससे बहसबाजी हुई थी। रविवार सुबह उनका चालक कार को घर से बाहर निकाल रहा था, तभी राजा पहुंचा और पिस्तल दिखाकर कार की चाबी मांगने लगा। हंगामा होता देख सभी मौके पे पहुंचे। इस बीच राजा वहां से भाग गया। देर शाम वह हथियार लेकर सभी को ढूंढ रहा था। इस दौरान राजा उसे मदरसे के पास देखकर रोका और फिर से रंगदारी की मांग करने लगा। विरोध करने पर उसने गोली चला दी। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना स्थल से पुलिस ने एक जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजा शातिर अपराधी है, वह पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है। आई बात करते हैं भीषण गर्मी और तापमान के 44 डिग्री के पार पहुंचने की। जिले का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी व लू के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन जुझार मांझी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिले में काफी गर्मी पड़ रही है, तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है, गर्म हवाएं चल रही है, ऐसे में घर से कम निकले और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानियां भी बरतें। जमशेदपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों का जीना बेहाल है। जिले का तापमान 43 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुँच चुका है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। जमशेदपुर की सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा कि मेरे लोगों से अपील है कि गर्मी काफी पड़ रही है, लू चल रहा है, बिना जरूरी काम के घर से ना निकले और सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों को गर्मी को लेकर दिशा निर्देश भी दे दिया है। लोगों से ज्यादा पानी पीने की अपील की गई है। गर्मी में ग्लूकोन के पानी का सेवन काफी लाभप्रद होता है, साथ ही लू लगने की स्थिति में घरेलू उपचार भी कारगर सिद्ध होते हैं। जरूरी होने पर डॉक्टरों की सलाह लेना नितांत अवश्य है। आज के तिथि में जो मैं भी हर दिन दैनिक समाचार पत्र न्यूज के माध्यम से ये पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर जमशेदपुर के अराउंड 43 प्लस माइनस आ रहा है, धूप बहुत कड़ा है, हीट वेव भी चल रहा है और उससे संबंधित सरकार की गाइडलाइन ऑलरेडी आया हुआ है। पहले एक आध महीने पहले हम लोग ने उसको सभी संस्थान को उसको कम्युनिकेट किया था और उससे संबंध में एहतियात हम लोग ने बरता था। बीच में पानी आ गया, मौसम ठंडा हुआ तो ज़्यादातर लोग सिकरी हो गए थे, पुनः अभी गर्मी पड़ रहा है तो फिर से नया दिशा निर्देश सब लोगों को भेजा गया है। और खास करके जो ORS कॉर्नर है उसको पुनर्जीवित करके इस्टेब्लिश करना है और वैसा कोई नेडी लोग आए तो ORS उनको मिले। ORS की सप्लाई सरकार को करनी थी आज के तिथि में, तो उसके लिए ना पैसा है और ना सप्लाई है, तो हम लोग स्थानीय स्तर से ORS का व्यवस्था किए हैं और ORS कॉर्नर को संचालन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी अपील है सभी से, इस प्रचंड धूप में बिना कारण का बाहर नहीं निकले, जब भी निकले तो छतरी हो, पूरा पानी पिए, खाना खा के निकले, फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ और दिक्कत हो तो निकटस्थ जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल वहाँ पर जाके आप सेवा ले सकते हैं। सर कितने दिनों से पड़ रही है काफ़ी गर्मी और लगभग एक सप्ताह से जो 40 प्लस चढ़ा है। क्या तैयारी की गई हॉस्पिटलों में? तैयारी सभी जगह ORS कॉर्नर की स्थापना और पब्लिक से अपील कि आप गर्मी से बचें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें घर से, और निकलते हैं तो पूरा पानी पिए, छतरी की व्यवस्था करें और साथ में खाना खा के भी निकलें। आई बात करते हैं सुंदरनगर में बुरीडी फाटक के करीब अनियंत्रित हाईवा के पलटने की।
जमशेदपुर के सुंदर नगर में बोरीडी फाटक के समीप एक स्लैब लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में हाईवा चालक व खलासी दोनों की जान बच गई है, हालांकि उन्हें हल्की चोट जरूर लगी है। वहीं सूचना मिलते ही सुंदर नगर थाना की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल ये घटना बोरीडी रेलवे फाटक के बेहद करीब हुई है। अगर ये अनियंत्रित हाईवा रेलवे फाटक से टकराया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हाईवा तेज रफ्तार से जमशेदपुर से हाता की ओर आ रहा था, तभी अचानक बोरीडी फाटक के समीप चालक का हाईवा पर से नियंत्रण हट गया और स्लैब लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हाईवा के केबिन में फंसे चालक व खलासी को किसी तरह से बाहर निकाला गया। दोनों को हल्की चोटें आई हैं। दोनों की स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा कराई गई है। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते बचा। वहीं सुबह होते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौका वारदात पर जमा हो गए। रोड पर से हाईवा को हटाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।